जय जय हो महाराज तुम्हारी जय जय हो।
जो गुरु
है प्रभु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु पाजी को जिन्होंने अनुभव पाई और उन्हें अपना मंत्र देकर आश्रय दिया, उन पर वरद हस्त लिखा। ऐसे जो गौ के सोदास बाबा जी महाराज नमो गौर किशोर आदि साक्षात वैराग्य मूर्त ही साक्षात वैराग्य की मूर्ति है। उनके जीवन को देखा जाए तो कितना कठोर वैराग्य, भगवान में अनुरक्ति लाने के लिए त्याग वैराग्य होना चाहिए। परंतु ये वैराग्य नहीं, हम तो भजन कर रहे हैं, गुरु को भी अंगूठा दिखा है और वैष्णवों को अंगूठा दिखा है, ऐसा वैराग्य हमें नहीं चाहिए। केवल हम त्याग के मार्ग पर चल रहे हैं, हम चाहिए गुरु वैष्णव को अंगूठा दिखा है, उनकी अवहेलना करके हम चल रहे। तो उस त्याग का कोई मूल्य नहीं होता है, उस व्रत का कोई मूल्य नहीं होता है, उस पूजन का भजन का कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए चाहे कितना ही कर ले वो पंडित का त्याग तो होता है। और गुरु की सेवा में मन बैठ जाए वही जीवन का सब कुछ है। तो कोई राज्य की मूर्ति श्री गौरीशोदास बाबा जी महाराज जीवन में जैसे त्याग किया अभी वैष्णव लोग बताएंगे। अब विप्रलंबर काम उदय विप्रलंबर रस की अवधि है समुद्र, क्योंकि विरह विप्रलंबर रस बोले क्यों बताया विरह विप्रलंबर रस चैतन्य महाप्रभु के प्रलंब रस की मूर्ति। उन्होंने भी प्रलंब रस का आस्वादन किया, क्यों मिलत से करोड़ों गुना अधिक विप्रलंब भाव, और उस विप्रलंब भाव में जो मिलन होता है वो करोड़ों करोड़ों गुना अधिक रूप में मिलन होता है। जैसे श्री परमार जी का है ना कि संकीर्ण मिलन संक्षिप्त मिलन सब मिलन होता है, परंतु विरह जो बच्चा जो मिलन होता है वो तीव्र मिलन जो समृद्धिमान मिलन है वो सुचारू और संपूर्ण रूप में। ऐसे ही कृष्ण के साथ में राधा के साथ में मिलना है, विप्रलंब भाव के द्वारा मिलन की परिपाटी हो तब तक मिलन सुंदर होगा, नहीं तो केवल पुंज सेवा कुंज सेवा कुंज मिलन राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं बाहर भटक रहे हैं। इसलिए विप्रलंब भाव को दर्शाया, उस विप्रलंब भाव के द्वारा कृष्ण सान्निध्य पाने की जो लालसा है तो विप्रलंब रस की मूर्ति है। महाधनी
ऐसे रसी भक्तों का संग जीवन में मिल जाए, इससे बढ़कर तो और परमलाभ क्या है। और इसे छोड़कर जो कोई अनंत तो जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, दुर्भाग्य कहा जाएगा। उसी ही इसके कहते हैं ऐसे महान प्रेम को आस्वादन करना, भक्ति रस के आस्वादन करने के लिए हमें जो कुछ करना है। श्री सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, बोले हमारे पास न तो कर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न भक्ति का देश, न हमारे पास कोई साधन, केवल हम उनकी कृपा देश के लिए बैठे हुए। कोई ऊपर से जनार्दन महाराज वक्तृता में भाषण में डाल करते थे कि जगन्नाथ जी में एक बड़े बड़े व्यक्ति जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियों में दूसरी सीढ़ी में बैठे हुए मिलते रोज दिन। एक व्यक्ति जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते तो वो प्रेशर मिल के जाते, देखते हैं रोज दिन वही पूरा व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये दिन उस व्यक्ति ने कुछ बड़े बड़े से कहा, महाशय जी मैं काशी धाम जाना चाहता हूँ, मुक्ति धाम काशी धाम में आप मेरे साथ चलिए ना, हम दोनों जाएंगे, अकेले अकेले जाने में मन नहीं कर रहा है, साथ मिल जाए तो चले जाए, तो आप मेरे साथ चलिए, आपको कोई खर्च खर्चा नहीं लगेगा, सब कुछ मैं दूंगा और मेरे साथ आप चलेंगे। तो बोले अच्छा मैं कल जवाब दूंगा, कल की बात होगा। फिर दूसरे दिन आए, आने पर उनसे कहा आपने क्या नहीं किया, चलेंगे चलिए ना, एक दिन हम काशीनाथ घूम के आते। तब उन्होंने जवाब दिया, बोले भाई आप काशीधाम में शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं ना, विश्वनाथ जी का काशी विश्वनाथ का हो जाता। बोले भाई मैं तो यही बैठा हुआ हूँ दूसरी सीढ़ी में, कि हमें प्रभु की आज्ञा मिल जाए तो इससे सीढ़ी में बैठ जाओ चढ़ जाओ, इससे सीढ़ी तक जाने के लिए आदेश नहीं मिल रहा है, दूसरी सीढ़ी में ही बैठा हुआ कितना समय निकल गया, आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करना चाहते हैं, मैं ही तो वही काशी विश्वनाथ हूँ। बोले उन्होंने आपका स्वरूप दर्शन करा दी, जिनके चमत्कार अरे काशी विश्वनाथ यहाँ बैठे हुए हैं दूसरी सीढ़ी में, जिससे सीढ़ी में पहुंच नहीं पा रहे, हम रोज दिन कूद कूद करके भाग रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, जगन्नाथ जी को दर्शन करके आ रहे हैं, शिव जी भी बैठे, थोड़ी बड़ी बड़ी साधन साधी का सब बैठे हुए हैं, प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए पर कृपा नहीं मिली, आदेश नहीं मिल रहा है, न अनुराग न भाव, कहीं दुर्वैष्णव होगी, थोड़ी थोड़ी सी दया दृष्टि हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि हो जाए, तो कहीं प्रभु की कृपा। इसलिए आज डॉक्टर साहब को देखिए प्रणव बरस किया सूरदास बाबा जी महाराज आपके चरणों में हम पुनः पुनः नमस्कार करते हैं, आपके चरणों में हम पुष्पांजलि समर्पण करते हैं, थोड़ी सी दया दृष्टि हम लोगों पर भी बरसाते हैं। तो आज सबसे पहले हम निवेदन करते हैं हमारे परम पूज्य पादशाह श्रीमान भक्त वेदांत परिव्राजेश महाराज, वे श्री गुरुदास बाबा जी महाराज जी के विषय में प्रकाश उनके चरणों में पुष्पांजलि दी। Thank you.
ভাগবত পণ্ডিত
भागवत के नहीं पाठ करते चलो बहुत की सब दार वाली मारा तो बेटी दिया जाते आप तो दार है भागवत पाठ करते हैं सुनिए भूल में कहाँ से उन्हीं आज पहले मार लेना ये भागवत का सूर व्यक्तना कुछ হালকরে করুন উল্টো পাল্টা বলছেন কেন সবাই অবাক ওখানে সবাই শিক্ষিত মানুষ ছিলেন আরে বোধ কিছু কারণ মানে পড়াশোনা জানেন না আরে ভাগবতের সংস্কৃতের আবার ভুল হচ্ছে কি করে সম্ভব যশাস্তি ভগবত ভক্তির অকিঞ্চনা সর্বই আমার সাথে হারাবো অবস্থ পূর্ণ মহাপুনা ভগবানের যা কৈতান্ত্রিক নিষ্ঠা ভক্তি থাকবে তার একমাত্র কোন পারমিটি কিছু নাই বলে দেখা যায় মনে কোন জীবনে বলতে চিন্তা করতে হবে না শুধু তোমরা ভক্তি করো এবং বক্রতা শূন্য হয়ে অনর্থ দূরীভূত করে আস্তে আস্তে তোমরা ভক্তির দিকে কৈতান্ত্রিক মহান্না ভক্তির দিকে এগিয়ে যাও আর এগুলো অটোমেটিক এগুলো আসবে বলছেন যে প্রতিষ্ঠাতার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের কোন আকাঙ্ক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে না অটোমেটিক ফিরে যাবে যাই হোক বলছেন তোর কিছু দার বলি মহারাজ তবে আসার কালে আপনি আপনি এটা পাঠ করে কিছু না উনি ব্যাটাখানে বসে গেলেন সুন্দর ভাবে তিনি ব্যাখ্যা করলেন সবাই ওনার বহু চিত্র দারবাজি মহারাজের ব্যাখ্যায় সবাই সন্তুষ্ট হলেন বাহ এত সুন্দর ব্যাখ্যা তাহলে প্রশ্ন করেন সব কিছু যদি ভক্তি আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে ভক্তি ভক্তি যদি একবার আমরা জীবনে আক্রমণ করতে পারি হৃদয়ের মধ্যে যদি ভক্তি দেবে কৃপা হয় তাহলে আর কোন প্রয়োজন পড়ে না সবগুলো অটোমেটিক কেটে যাবে তিনি ভজন করতেন একটা কুড়ে না পায়খানা ব্যবহার হয় না ওটা শুকিয়ে গেছে ওটা পরিষ্কার করে রেখেছেন আর ওই ওর পায়খানার মধ্যে তিনি ভজন করতেন কেন করতেন উনি জানালেন যে পায়খানা তো সবাই ভালো ভদ্রলোকরা ঘৃণা করে এই জন্য আমাকে আমার ভজনে কোনো বাধা দিয়ে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না এই জন্য তিনি ওই পায়খানার মধ্যে পরিণাম করতেন বৈষ্ণবগণ যেখানে ভগবানের পুনর্চিন্তন করে ওটা পায়খানা হয় ওটা বৃন্দাবন হয় কৃষকের ভগবান চিন্তার মধ্যে নিবদ্ধ যাই হোক একদা ভক্তি আনন্দ উপলক্ষ যে ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের কাছে উনি যেতেন মাঝে মাঝে ওনার জীবনীতে গিয়েছেন আর সেই সময় ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে কোন অভিজ্ঞতা হতো প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত করে সত্যি সিংহ ঠাকুর তিনি গৌরকিত দারবাজি মহারাজের অভিজ্ঞতা শ্রবণ এবং পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন হতো এইগুলো শ্রবণ করে তিনি আকৃষ্ট হতেন একদিন ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন আমি গুরুকরণ করতে চাই যে তোমার গুরু এখানে সাক্ষাৎ আছে ওর কাছে যাও ওর কাছে দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করো উনি এসে প্রস্তাব দিলেন প্রভু আমাকে গুরু কৃপা করুন আচ্ছা তোমাকে কৃপা করতে আচ্ছা আমি গৌর সুন্দরের কাছে আগে আদেশ দিই উনি কি বলে তারপর আমি তোমাকে বলো কয়েকদিন থাকলেন আবার প্রভুবার বলে আমার তো মনেই ছিল না তাকে জিজ্ঞাসা করেন আজ এইরূপ হয় তিনবার উপেক্ষা করেন প্রত্যাখ্যান গ্রহণ করেন কিন্তু প্রভুপদের নিষ্ঠা ওনাকেই গুরুপদে গ্রহণ করবেন তিনবার চারবারের বার ভক্তিনাথ ঠাকুর বললেন কেন তুমি কৃপা করতে পারো না ঠিক আছে তিনি একজন মাত্র
মহারাজ আমাকে কৃপা করুন, কৃপা করুন। বাবাজী মহারাজ বলছে হ্যাঁ কৃপা করুন, এসে দর্শন দিন আপনাকে দিয়ে এই তো এই পর্যন্ত আপনার খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো, আপনি কৃপা চাচ্ছেন আমার এই কৃপা করে বাবা বাবাজি হতে পারে তিনিও মাঝে মাঝে এসে বলতেন যে আমার ওখানে গিয়ে আপনি একটু কৃপা করতেন, ওখানে একটা বস্ত্র সম্মেলন হবে আপনি কৃপা করেন, বলছে তোমার দায়িত্বে যাবো আমি কৃপা করেছিল। ঠাকুর কাছে আমরা যাব কি জন্য, তার কৃপা লাভ করার জন্য, ঠাকুর আমাকে আমরা নিমন্ত্রণ করবো যে ঠাকুর আপনি আসুন হে বৈষ্ণব ঠাকুর আমাকে কৃপা করার জন্য, এটা আমার কি নীতি করুন। এই জন্য উনি বললেন যে না আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা আমি পাকা পক্ষ করে দেবো, আপনি এখানে এসে বসে করুন, তাহলে আমরা দুজনে খুব ভালোভাবে বসত করে আমাদের মনুষ্য জীবন সফল করতে পারবো। আর আমি তো বিষয় বৈরাগ্য, আর আপনার বাড়িতে যদি আমাকে নিয়ে যান, আমাকে ওই ভালো ভাত দেবেন, গদি দেবেন, ভালো খাবার দেবেন, এগুলো আমাকে ওগুলো হচ্ছে বিষয়, ওই বিষয়ের সংস্পর্শে আমার হৃদয়টা কলুষিত হয়। সবচেয়ে ভালো হবে আপনি আমার এখানে সেদিন থেকে আর পরবর্তীকালে উনি কাউকে দর্শন দিতেন না বারবার উপদ্রব করেন, কিন্তু আমাদের পরম গুরু মহারাজ নিত্য লীলা কৃষ্ণ বিষ্ণুবাদ শ্রীষ্ণ ভক্তি প্রজ্ঞানকে শুক্র সিং মহারাজ তিনি একবার গিয়েছেন কুমার উনি বলছেন বাজি মহারাজ বাজি মহারাজ আমাকে দরজাটা খুলু, আমার শরীর খুব খারাপ উঠতে পারছি না, আবার কিছুক্ষণ আমার বাজি মহারাজ কৃপা করুন আমি উঠতে পারছি না। বাজি মহারাজ আমরা ওই প্রভুপাদের কাছ থেকে এসেছি, প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত উনি বলছেন যে প্রভুপাদকে প্রভুপাদ আমার যখন প্রভুপাদ বলতেন আমি তাও প্রতিষ্ঠ করি না, আপনারা এখানে সবাই বসে আছেন যারা সবাই আমার বলতেন, কেন যে আপনারা এখানে সবাই বসেছেন দিকে আমি মহাপুর অমূল্য বাড়ি প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করেছি, সুতরাং এই দিক দিয়ে আপনারা সবাই আছেন আমার গুরুবর্গী তার মাঝে মহারাজের জীবনেও তিনি দেখালেন সেই তত্ত্ব এবং সেই সিদ্ধান্ত সেই নিষ্ঠা। যাই হোক চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রভুপাদের আদর্শ জগতের মধ্যে প্রচার করো, সমস্ত বিপদ আপনার ভালো লাগতো বেশি, মায়াবাদী যদি কেউ
রূপান সামনে মায়াবাদ নিয়ন্ত্রণ করার উনি একবারে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। এ কারণে গুরু কৃপায় এটা সম্ভব হয়। পরবর্তীকালে যখন গৌরকৃষ্ণ দাসজি মহারাজের অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি দৈন্য করে বলেছিলেন যে দেখো আমার এই শরীরটা, এই নষ্টের শরীরটা, এটাই আমি আমাকে গলায় বা পায়ের মধ্যে দড়ি ফেলে টেনে টেনে এই স্বামীর মধ্যে ঢুকলাম। মহাপুরুষের ভাব ধারা চরিত্র বিক্রিয়ে বুঝতে পারি না, ভাবলেন যে ওরা ঠিক আছে গুরুদেবের কথা এটা পালন করতে হবে, তাই তার অর্থগ্রহণ করে পায়ের মধ্যে দড়ি ফেলে টেনে ঘুরাবেন। দুর্বলে কানে গেল, হ্যাঁ রূপকে তোমরা এরকম ভাবে ঘুরাবে এই স্বামীর মধ্যে? তারপরে গঙ্গার চলে যায়, গৌরকিশোর দাসজি মহারাজের সমাধি স্থানান্তরিত করেন এবং আজও পর্যন্ত সেখানে আমরা দর্শন করতে পাই। সুতরাং বৈষ্ণবগণের আজ লীলাচরিত কথা, তাদের পুত্রচরিত কথা শ্রবণ করলে আমাদের পাঠ করলেন, তার মধ্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি তিনি আমাকে কৃপা করুন যাতে আমার হৃদয়ের মধ্যে বৈরাগ্য সঞ্চারিত হয় এবং ভক্তি লাভ হয়। বন্ধা কৃপা छात्र है और वो है
गौर शिक्षक स्वामी जी महाराज के पाठशाला प्रथम चरण के छात्र और आप सब छात्रों को मैं ये आमंत्रण देता हूँ कि आप लोग 24 तारीख को 24th of November वी आर सेलिब्रेटिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ श्री रविहारी गौरिया मठ इन दिल्ली एंड आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम देयर एंड सेलिब्रेट दिस फंक्शन. दिस इज श्री गुरुदेव मोस्ट डियरेस्ट मोस्ट डिटीज श्री राजा रमन बिहारी जी एंड ही हैज ऑलवेज गिवन हिज अनलिमिटेड मर्सी. Every year we are celebrating this function. So I invite you to come to attend this function on 24th morning. One bus will go from Govardhan, one from Vrindavan to Delhi at about 5 or 5:30 a.m. Then midway at Palwal you will be served breakfast, and in Mutt the noon time we will serve you lunch, prasadam, and at 4 p.m. Shobha Yatra will start, and then we will come back. Prasadam will be served, and then buses will come back. Here are a few devotees who may like to avail the room facility of Ravan Bihari Gauriya Math. We are too much tight in this condition. I have asked Vrinda Didi to book the room who wants to go. So if you may inform her if she has open in her record, if she may book the room for you people also. So again, my evidence that you have to come. I am leaving some cards here, and those who want to come, they should take those cards. Because of certain reason, I have to leave today. And I may come again on 20th to remind the invitation. Hare Krishna. होते हुए भी भजन के प्रति जितने एक निश्चित है
को सही ठीक ठाक कैसे किया जाए उसे करने के लिए उन्होंने शहर गांव और इस तरह से लोगों से दूर होकर जो म्युनिसिपैलिटी के पैखाने होते हैं उसमें एक कमरे में जाकर अंदर बैठकर भजन करते थे। श्री गुरुदेव के मुख से मैंने कई बार सुना, वहां का कमिश्नर आके बोलता है, बाबा जी महाराज हम आपके लिए एक कुटिया बनाएंगे, आप बाहर तो आइए। और कुछ समय वो बोलते थे, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं जब ठीक होकर तो बाहर आऊंगा। उनको कहा गया कि आप यहाँ बैठकर क्यों भजन करते हैं, आप बाहर क्यों नहीं करते, यहाँ दुर्बंध है। तो उनका कहना था कि संसार की वासनाओं भरे हुए लोगों के दुर्बंध से ये कम दुर्बंध है। उनका स्पष्ट कहना था कि संसार की जितनी भी कामनाएं हैं वो दुर्गंध होती है, पैखाने की दुर्गंध उतनी ज्यादा दुर्गंध नहीं होती। तो महाराज अभी ये बात बता रहे थे, इतना सब कुछ होते हुए भी वैराग्य की चीजें जाती मोटी होते हुए भी उन्होंने ये बताया, वैराग्य अपनाना नहीं है, क्योंकि गौड़िया वैष्णव वैराग्य के पीछे नहीं भागते हैं। वैराग्य वो है जो भक्ति करने के पश्चात हमको स्वतः ही प्राप्त होता है। गौड़िया वैष्णव युक्त वैराग्य के लिए जाते हैं। भगवान की भक्ति में अपना हृदय इतना परिपक्व हो जाए कि संसार अपने आप छूट जाए, ये छूटता हुआ संसार वैराग्य कहलाता है। अभी कुछ बात भक्ति तीर्थ महाराज जी बता रहे थे कि विरह में विप्रलम में भाव बहुत प्रबल होता है। वास्तव में विप्रलम में हृदय में अपने ईश के प्रति प्रेम का आवेश इतना अधिक होता है कि उस आवेश में जो मिलन है वो बहुत ही अंदर से आनंददायक होता है। और विरह के बाद विप्रलम के बाद जब मिलन होता है उसका बहुत ही आनंद आता है। मिल जाती है खुशियां, मिलती है गम के बाद जो दुख के बाद हमें सुख मिलता है वो बहुत अधिक होता है, जो विरह के बाद मिलन होता है वो बहुत अधिक होता है। मैं अधिक नहीं कहूंगा, और बड़े बड़े वैष्णव ने यहाँ पे बात बता दी है। एक बात मुझे उनकी और याद आ रही है, शक्ति विनोद ठाकुर जी और कौशिक प्रसाद बाबा जी का आपस में बहुत प्रेम था। श्री शक्ति विनोद ठाकुर जी उनको शिक्षा गुरु के रूप में लिया करते थे। तो कौशिक प्रसाद बाबा जी महाराज शक्ति विनोद ठाकुर जी को अपने शिक्षा गुरु के रूप में लिया करते थे। बहुत दूर दूर से वो शक्ति विनोद ठाकुर जी को मिलने आया करते थे। एक दिन वो शक्ति विनोद ठाकुर जी को मिलने आए, लेकिन उन्होंने बाबूजी की ड्रेस पहनी हुई थी, हैट पहना हुआ था और बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए थे। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, ये आपने वेश कैसे बदल लिया? तो उन्होंने कहा, ये बाबा जी का वेश जो है वो बदनाम होता जा रहा है, बाबा जी के वेश में लोग गलत कार्य कर रहे हैं। तो मैंने कहा, ये बाबू जी का वेश जरा अच्छा है, कम से कम लोग जो है इसमें धोखा तो नहीं खाएंगे। उनकी हर क्रिया से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने को वैष्णव कहते हैं, वैष्णव वेश लेते हैं, वैष्णव ड्रेस लेते हैं, तो वैष्णव हमको नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। वैष्णव का नियम है कि संसार की आसक्ति को त्याग कर सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे। और मैं ये समझता हूँ इसका एक ही उपाय है कि हम वैष्णव के संग में रहेंगे तो हम वैष्णवता को अपनाए रखेंगे। वैष्णव से थोड़ा सा भी मिल जुल के दूर चले जाएंगे तो हमारी वैष्णवता भी हमसे दूर चले जाएगी। हरे Thank you.
By
right. These are not qualifications for bhakti. But when one has bhakti, these qualities automatically come out. And Gaurav Chaudhary Babaji's pronunciation was simply a byproduct of the fact that he was so absorbed in seva of Radha Krishna that he had no time or interest in anything else. Now, there's a number of stories about him which are very charming, but also very instructive about the nature of his personality and also the nature, which a lot of people misunderstand, about the nature of Babaji in our life. Sometimes we think Babaji means solitary bhajan, no association with others, and no preaching. But Srila Bhaktivedanta Krishna Goswami Maharaj in his own Pradeshavani has indicated that solitary bhajan means bhajan also in the association of Vaishnavas. So we see Gaurav Chaudhary Babaji Maharaj, even though he spent a great deal of time in his personal chanting and bhajan, he also took the time to associate with Srila Bhaktivedanta Thakura and other exalted Vaishnavas and also give instruction. He was being constantly approached by others for instruction, but also because of the nature of people, when they see a great saint, particularly in India, they see that saint as awakening blessings. Oh Swamiji, oh Baba, give me mercy, give me blessings. But when most people ask for blessings, what are they asking for? Oh, I want a good son, I want a good wife, I want some wealth, I want to be successful and happy in this world. So Gaurav Chaudhary Babaji Maharaj is being constantly impressed by these kinds of people. Thus, some of the peculiar and interesting nature of his pastimes. We heard that pastime in the latrine, where he retreated into this place, this very filthy old Indian latrine, and the stench was so bad, but he said, I prefer the smell of this latrine to the stench of the association of the service of persons. And it was only when Bhaktivedanta Krishna Maharaj came, Vinod Brahmachari, under the instruction of Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakura, who was the disciple, only disciple, of Gaurav Chaudhary Babaji Maharaj, and he very eagerly opened the door. Because opening the door, he began to associate with those who were near and dear to him, and who were interested and absorbed also in bhakti. And so seeing these wonderful disciples of his own disciple, he had so much grandfatherly affection, and he blessed our Bhaktivedanta Krishna Maharaj that all of your obstacles in bhakti will be removed. I will always be there, and I will bear that burden, and I will protect you. And for years and years later, whenever Bhaktivedanta Krishna Maharaj would speak about his relationship and contact with Gaurav Chaudhary Babaji Maharaj, tears would come in his eyes as he would recollect the compassion and mercy and great love of that wonderful personality. But there were others who approached him for different reasons. One time, one of the people that was following him, he'd been doing bhajan for some time in the association of Gaurav Chaudhary Babaji Maharaj, and then he left. And then he came back and said, oh, Babaji, oh Maharaj, I am married now, and I married a very beautiful Krishna Dasi. He was trying to show himself as a devotee, and now my wife, she's also Krishna Dasi. And he was trying to confess it for his married wife. Gaurav Chaudhary Babaji Maharaj turned to him and said, oh, what about you, Dasi? Oh. Okay. And he wanted blessings. But Gaurav Chaudhary Babaji Maharaj turned to him and said, oh, you married a Krishna Dasi? Oh, then you have to be very careful. It's very rare to have the association of a Krishna Dasi. Because in his mind, Krishna Dasi means gopi, servant of Krishna, living in Vrindavan. He says, now that you have a Krishna Dasi, you must serve her. You must worship her, you must feed her, you must protect her, and you must never, ever try to enjoy her. If you try to enjoy her in a material way, your life will be ruined. And all of a sudden, all the man's idea, his whole marriage, his whole happiness, everything he planned to enjoy was being shattered in front of him. And immediately ran away, grabbed his wife and said, let's get out of here. I don't want to be here anymore. So, he dispelled that illusion. Another time, a man came to him and said, oh, Babaji Maharaj, now I have bought land in Babaji. Now I own
And Lord, you are generous and poor. You have so much wealth that you are able to buy land in Galilee when one grain of sand is worth more than all of my goods. How is it that anyone is qualified to possess or own the sacred land of Mahaprabhu? You must be a very special person and a distinctive. Because the idea of ownership of anything of the God is material and also offensive. This is the land of Mahaprabhu, and everything is meant to be in his service. And this man was maintaining and preserving the mentality.